हाँ, अब देखो भाई, कल जो हमने फ्यूचर सिंपल अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है, उसमें एक ही जो नियम बन, मतलब कि एक स्पेशल नियम बनता है जो हमने प्रेजेंट सिंपल में भी कर लिया था कि वाक्य के बीच में इफ आएगा, फिर विल या शैल, और विल और शैल इज अ काइंड ऑफ मॉडल, और जहाँ पर होता है प्रयोग मॉडल का वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ठीक है, यानी एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा तो दूसरी तरफ है जो फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होगा, और वो वाक्य है जो कंडीशनल बनेगा और इफ से कनेक्ट होगा, ये हमने कल देख लिया था, ये इसका स्पेशल नियम है। इसके अलावा फ्यूचर में कोई इतना स्पेशल नियम नहीं बनता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमने क्या किया कि जो टोटल 12 टेंस है ना, उसमें से सिंपल यानी इंडेफिनेट का हमने पूरा जिक्र कर लिया है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल में कोई अगर जाता था, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फ्यूचर सिंपल में हमने विल से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कर लिया था। अब देखिए, अब एक्चुअली अब हम कर रहे हैं कंटिन्यूस, ठीक है। अब कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी कार्य जारी है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी कार्य जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब इसमें तीन आदमी हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भाई, है, और कंटिन्यूस यानी जारी, यानी रहा है, रही है, रहे है। मगर इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम इज नॉट गिवन, समय का कोई जिक्र नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसकी पहचान की बात करें, अगर पहचान करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है, सीता भोजन पका रही है, प्रेजेंट यानी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंग्लिश टू इंग्लिश वाक्य रचना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जहां पर एसरेटिव वाक्य आएगा वहां पर सबसे पहले क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर या तो आएगा इज या एम या आर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है कि जहाँ पर भी हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी, कंटिन्यूस का मतलब ही आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि भाई कोई कार्य जारी है तो आईएनजी फॉर्म, और ये जो आईएनजी फॉर्म है ना, लोगों की चहेती फॉर्म है, हर आदमी आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग लगाएगा, ठीक है। और जैसे एक वाक्य बनाया, राम भोजन पका रहा है, तो देखिए इसको बहुत ही इजी वे में देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, टेंस की पहचान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एलडीसी में एक ऐसा वाक्य भी दे दे, जरूरी नहीं है। देखो, कंपटीशन यानी कंप्लीट ज्ञान, वो कंपटीशन है, सीधी बात, ठीक है, बिल्कुल। अब सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट राम, अब यहाँ पर बात आती है इज एम आर की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब कर्ता एकवचन हो, एक वचन जो कर्ता होता है, ठीक है, उसके साथ इज लगाएंगे, पहली चीज ये मैंने आपको बता दिया, सिंगुलर कर्ता कौन से हैं और प्यूरल सब्जेक्ट या प्यूरल कर्ता कौन कौन से हैं, एम का प्रयोग होगा आई के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो प्यूरल सब्जेक्ट है यानी बहु वचन कर्ता, जैसे यू है, वी है, दे है, बॉयज है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, ठीक है, तो ये सारे मतलब के प्यूरल सब्जेक्ट में आएंगे। तो इज के साथ एक वचन, आई के साथ एम, और प्यूरल सब्जेक्ट है तो बहुवचन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, राम सिंगुलर है, राम है जो सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा, इज, आई बात समझ में, ठीक है। अब पका रहा है तो कुक,
ठीक है, और फिर आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी तो कुकिंग, और क्या पका रहा है, भोजन, तो फूड। ऐसे इंग्लिश टू इंग्लिश वाक्य बन सकते हैं इजी वे में। ये बात है भाई 6-7 की, ये एग्जाम में आने के रेयर परसेंट चांस है। हाँ, ये वाक्य आप ले लीजिए, राम इज कुकिंग फूड, और ये किस टेंस का है, तो आप क्या करोगे, इजेमा से पहचान करोगे, ठीक है, आईएनजी फॉर्म से पहचान करोगे, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर वाक्य में मिलता है, इससे पहचान नहीं होती है, पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर अगर इसी को अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में बदलें कि सर नेगेटिव कैसे मतलब बनेगा, तो भाइयों एक ही चीज़ मैंने आपको क्या कहा था, मैंने एक ही चीज़ बताई कि जो शुद्ध हेल्पिंग वर्ब है, जो शुद्ध हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लिख देना, ये जो वाक्य है ये नेगेटिव में बदल जाएगा, इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव यानी पर्सनल बात है, तो मैंने आपको एक ही बात कही थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव मेथड, दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव मेथड, एक तो हेल्पिंग वर्ब बार आती है और हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच आता है, ठीक है। अब इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर बाहर लिख देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा प्री पोजिशन या कुछ है पीछे, क्वेश्चन मार्क गांधी जी की पूंछ, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर इसके आगे डब्ल्यू एच लिखे हैं तो ये डब्ल्यू एच मेथड का इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर सैम इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अगर अब देखो अब आपको कि सर मेरे को इंट्रोगेटिव भी बदलना है और नेगेटिव भी रखना है तो मैं क्या करूं, आपका प्रश्न ये है, तो देखो भाई आप क्या करना, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, वैसे हो जाते हैं कई बार, तो आप क्या करोगे कि जैसे हमने नॉट यहाँ पर लिखा, ठीक है, इजम आर को बाहर लेकर गए, ठीक है, तो इसमें यही जा रहा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी नॉट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, नॉट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मेथड बन जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यूनिक्स नॉट को भी साथ में यहां लेकर आओ, नहीं, नॉट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, समझ में आ गई बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगर बात करें कि भाई हमारे तो इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड है, हमारे मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा क्योंकि हिंदी का तो आने का यहाँ चांस है ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे शब्द दिखा रहा हूँ टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में जो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस की पहचान कराएंगे, जैसे मैंने ऑलवेज लिखाया था प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, यस्टरडे पास्ट सिंपल में लिखाया था, टुमारो है जो फ्यूचर सिंपल में लिखाया था, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसके शॉर्ट आप लिख सकते हो, वैसे आपके लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इंग्लिश टू इंग्लिश टाइम ऑफ एडवर्ब के शब्द कौन कौन से हैं, जिससे एक्टिविटी एक्शन की पहचान हो गए, उस टेंस की पहचान हो गए, उस काल की पहचान हो गए, तो इसमें क्या करोगे आप, देखो टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब, ठीक है। एक तो स्टील देखो भाई साहब, स्टील, ठीक है, स्टील यानी होता है अभी तक, अब एक मजे की बात देखना सुनना हो, एक शब्द है स्टील, एक शब्द है स्टील, कुछ फर्क दिख रहा है आपको, एक मीनिंग है एस टी आई एल एल, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, पहली चीज स्टील, स्टील यानी वर्ब दैट मीन्स चुराना, जैसे आप कहीं पर गए और एक पेन चुरा लिया, हालांकि नहीं चुरा तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो स्टील वर्ब है, ठीक है, और ये स्टील धातु है, ये धातु है, हाँ, जैसे लो इस्पात धातु, ये देखो। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है हमारा युग्म शब्द, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अनिल हिंदी में और अनल, युग्म शब्द नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे देखो अर्थी और अर्थी, दिखने में समानार्थी है, बोलने में तो उच्चारण समानार्थी होते हैं,
उनके अर्थ अलग अलग है। वैसे ये है स्टील, स्टील और स्टील, इसको कहते हैं इंग्लिश में बड़ा क्या कहते हैं, लॉन्ग, जो समानार्थी शब्द होते हैं। एक बार आपने मैम को क्वेश्चन किया था, synonyms, ठीक है ना, उसको ये कहते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गई, स्टील, स्टील यानी अभी तक, स्टील यानी अभी तक। ठीक है, एक होता है नाउ, नाउ यानी अब, ठीक है, नाउ, ठीक है। अब जैसे देखो, एट दिस टाइम, ठीक है, या मोमेंट, एट दिस मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण या पल, या एक सेकेंड, यू कैन से वन सेकेंड। ठीक है, अब नाउ डेज, इन दिनों की, जैसा आप इन दिनों क्या कर रहे हो, कैसे हम इन दिनों है ना, एलडी सिलासन हाई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नाउ डेज, इन दिनों। ठीक है, इसके बाद नाउ डेज, दिस डेज, टू डे, हाँ ये शब्द आया हुआ है, टू डे, टू डे आई एम गोइंग टू विलेज। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर देखिए दिस प्लस टाइम रिलेटेड वर्ड्स, टाइम रिलेटेड वर्ड्स, यानी दिस अगर पहले आया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ठीक है, दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग, ठीक है, या दिस वीक, दिस का मतलब होता है वर्तमान काल में कोई कार्य जारी है, कंटिन्यूस में आता है। ठीक है, अब ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द मैंने लिखा है, ये मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की टाइम ऑफ एडवर्ब है। जैसे ये शब्द अगर आपको वाक्य में मिल जाते हैं भैया, तो आप इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर लेना, मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, जैसे अब देखो, नाउ सी फिलर टू विलेज, ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन है गोइंग, सेकंड ऑप्शन है गोज, तीसरा ऑप्शन है इज गोइंग, और फोर्थ ऑप्शन है आर गोइंग। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस की पहचान करने का तरीका क्या है, कि मैंने टाइम ऑफ एडवर्ब रिलेटेड शब्द आपको बताया। ठीक है, अब नाउ है ना, देखिए ये सब्जेक्ट है और नाउ जो है ना टाइम ऑफ एडवर्ब है। ठीक है, टाइम ऑफ एडवर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूस में नाउ शब्द आता है, ये रहा नाउ। ठीक है, ये आते ही आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस आते ही आपको स्ट्रक्चर दिमाग में हाथों हाथ आना चाहिए, इज एम आर प्लस आई एन जी। अगर कर्ता एक वचन है तो इज, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग। अब ये ऑप्शन किस में है भाई साहब, तीसरे में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, मगर टाइम ऑफ एडवर्ब रिलेटेड शब्द, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किन किन हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है, ये चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए। फटो भाई, ठीक, अब जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, वाक्य लिखा नाउ ऑडेज चिल्ड्रन फिलर टेक रेस्ट। ठीक है, बिल्कुल, अब इज फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है टेकिंग, तीसरा है आर टेक, और चौथा है इज। अब देखो एक चीज भाई साहब, ये ध्यान रखना कि जहां पर भी
जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है उससे पहले या तो इजमार आएगा प्रेजेंट है, तो वॉज वर आएगा तो पास्ट है, ये चीज ध्यान रखो। आईएनजी फॉर्म खाली कभी नहीं आती है, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये नाउ और डेज, नाउ और डेज किसकी, टाइम ऑफ एडवर्ब है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। स्टील नाउ डेज, नाउ एट दिस मोमेंट, एट दिस वीक, ये सब शब्द है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टाइम ऑफ एडवर्ब है। अब देखा कि चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन सो एस लगता तो प्लूरल होता है। मैम चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है, अगली बार तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर टॉकिंग, ठीक है, अब इसमें कहीं पर है क्या बताओ मुझे, नहीं। ये ऑप्शन कहीं पर है क्या, नहीं है। हाँ देखो सेकंड सब कुछ ठीक था मगर ई देखो, सही, अगली बात समझ में। अब देखिए इज टॉकिंग ठीक था, या तो इसको आर करो, आर टेकिंग बिल्कुल रेस्ट, ठीक है। अब देखिए इज टेकिंग, इज बैठे करनी क्योंकि इज लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब देखिए आर है तो खाली आई एन जी फॉर्म बिना वर्ब बैठा ही नहीं, ऐसे ऑप्शन कट गया, अगली बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आर टेकिंग ये हो जाएगा, नॉट इज टेकिंग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। ये ध्यान रखें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल है माय फादर प्लूरल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है आर रेडिंग, दूसरा ऑप्शन है आर यू, तीसरा है इज रेडिंग, चौथा है इज हाँ। देखो जल्दी इसमें क्या सही हो सकता है, थर्ड, थर्ड। अब एक चीज मुझे बताओ कि इसमें टाइम ऑफ एडवर्ब है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो अब वो क्या करेगा पता है, अब यहां पर क्या करेगा, ये देखा क्वेश्चन चेंज करने का तरीका, समझ में आएगा। तो अब इस वाक्य को देखोगे तो आप कंप्यूटर से इसमें टाइम ऑफ एडवर्ब है ही नहीं, कैसे पता करेंगे, फिर ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में मिल गया स्टील यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर बात समझ में, ठीक है। अब माय फादर सिंगुलर है या प्लूरल है भाई, सिंगुलर है, माय को देखकर नहीं देखना है, माय तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पिताजी एक वचन है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर भाई साहब इज रीडिंग स्टील न्यूज पेपर, समझ में आई बात क्या, नहीं बिल्कुल ठीक, रब कर दूं, अब जैसे देखिए
सोता है अब वो हमें क्या करेगा, थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेगा, वर्ब देगा। हाँ अब बताओ, फर्स्ट ऑप्शन ये बन भी जाना है, ठीक है। हाँ बताइए आप, आप देखिए एक्चुअली हमने थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते तो यहाँ पर एक बहुत ही गजब चीज हुई कि स्प्लिंग है डांस की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आपका दिमाग आपसे स्वयं से करेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। अब आपको कह सर यहाँ तो डांस है तो यहाँ तो ई है यहाँ, क्योंकि एक्चुअली ये बच्चा ध्यान दे ही नहीं पाता, मैं सही कहूँ, मैंने देखा है क्योंकि जंप कर जाता है अक्सर, ठीक है। और एक बार दिमाग में क्वेश्चन फंस गया ना तो वो उसको फिर निकालना बहुत टफ होता है, तब हमें वो चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती है। अब आपको टाइम ऑफ एरर भी याद हो गई, ठीक है। आर लगाना पता चल गया भाई प्यूरल है या सिंगुलर जो भी है, मगर आईएनजी में यहाँ आकर फंस गया, ठीक है। तो देखिए आई बात समझ में, आप इस कंडीशन में वास्तव में थर्ड ऑप्शन यूज करें। ऑल ऑफ अस आई वांट टू टेल कि जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल 100% क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो फिर मैं मतलब आई एन जी के भी नियम अभी मैं आपको लिखूंगा कि अगर कोई भी मीनिंग, ठीक है, अगर कोई भी मीनिंग जिसका अंतिम अक्षर अगर ई हो तो वो हटेगा, ठीक है, बिल्कुल अंतिम अक्षर ई और उसके साथ अगर आई एन जी जोड़ना है तो ई को हटाना पड़ेगा भैया, और आई एन जी जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? मेरे को एकदम याद आ गया आपने वो बात समझ में। तो अब देखिए सेकंड और सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड आर द सिमिलर ऑप्शंस बट द डिफरेंस इज ओनली रिलेटेड टू वर्ब, वर्ब के संबंधित इसका जो है वो मतलब कि फर्क है, अंतर है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक। रख कर दूँगी ठीक। अब यहाँ पर आपने के दिमाग में क्वेश्चन, मैंने क्या कहा कि जहाँ पर कंपटीशन फील्ड में उतर गए, जहाँ पर कंपटीशन फील्ड में उतर गए तो आपको मतलब कि संपूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी। आपको टाइम ऑफ एडवर्ड भी नहीं देखनी है, आपको वर्ब के साथ जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस कैसे एडजस्ट करते हैं भाई, वो भी देखा था, ठीक है, कि अगर ओ है तो ई एस जोड़ो, ठीक है, अगर अंत में वाई है तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ो, और अगर वाई से पहले वोवल है, वोवल साउंड आला है तो केवल वाई एस जोड़ेगा, ठीक है। अब इसका पहला रूल आता है कि मतलब कि वर्ब के साथ, वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ने का नियम, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने का रूल्स, ठीक है। अब पहला रूल्स ये कहता है भाई कि अगर कोई भी वर्ब, शॉर्ट में बता रहा हूँ फिर आप उसको डिटेल में नोट कर दीजिए या पीडीएफ ले लेना, ठीक है। कोई भी वर्ब जिसका अंतिम अक्षर अगर मान लो ई हो, कोई भी वर्ब जिसका अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाना है, ठीक है, तो ई को हटाना है, ठीक है, और फिर आई एन जी जोड़ना है। अगली बात समझ में? पहली चीज जैसे मैंने एक मीनिंग लिखी मेक, अगर आपको कह दिया भाई मेक के साथ आई एन जी जोड़ो तो आप क्या करोगे, जुड़ तो जाएगी मगर ई को हटाना पड़ेगा, ठीक है। टेक यानी लेना, तो टेकिंग ये देखो, मेक मेकिंग ये देखो, बहुत सारी मीनिंग है,
जैसे देखो बहुत अच्छी वर्ब है गिव, ठीक है, अगर आई एन जी जोड़ोगे ना भैया हाशा तो बिल्कुल आगे बड़ा समझ में कोई डाउट नो डाउट क्लियर, पहला नियम क्लियर, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि अगर समझ आगे कोई बात नीचे से ध्यान रखना और आपके पास नोट लिखो तो मैं जो चीज समय उसे पूछना बिल्कुल कोई संकोच नहीं करें, पढ़ाई के रिलेटेड कोई संकोच नहीं करना, जिस समय आपको कहें अंगूर या मार या जिम मार बैठ या कभी संकोच नहीं करना, दो रोटी भावे हैं तो दो रोटी जिम ले ली, ठीक है। और पढ़ाई में यूँ नहीं होता कि ऐसा रहनी मन का ही चैक में सब बच्चे बराबर आप निश्चित, ठीक है। अब दूसरा इसका नियम यह है कि अगर कोई भी वर्ड, दूसरा नियम ये कहता है सेकेंड रूल, कोई भी वर्ड ठीक है, जिसका अंतिम अक्षर से पहले, जिसके अंतिम अक्षर से पहले अगर व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, स्वर ध्वनि और अंग्रेजी में स्वर कितने हैं भाई, अंग्रेजी में स्वर पांच है, ए ई आई ओ यू, आर्टिकल में देख लिया था, हाँ वोवल वही स्वर, ठीक है। हाँ स्वर होती है हिंदी, हाँ अब देखो अब इस जो मैंने इस रामायण को लिखी है ना, उस रामायण का मतलब यही है कि कोई भी वर्ग क्या, हाँ उसका अंतिम अक्षर, उस अंतिम अक्षर से पहले स्वर ध्वनि है, ठीक है। तो अंतिम अक्षर देखा कि हाँ, अंतिम अक्षर से पहले स्वर आ गया कि हाँ, तो क्या करेंगे अंतिम अक्षर को डबल करेंगे, तो क्या करोगे भैया अंतिम अक्षर को डबल, आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ अगर आई एन जी ऐड करोगे ना तो आर यू एन, एन को डबल फिर आई एन जी, ये देखो ठीक है बिल्कुल सामने उड़ा, स्विम तो स्विमिंग, अगर स्विमिंग करना है ना तो भाई साहब एम को डबल करना पड़ेगा, आगे बात समझ में है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जैसे देखो एक मीनिंग है कट, एक मीनिंग है पुट, कट यानी काटना, पुट यानी रखना, ठीक है। अब देखिए वो का वो नियम, तो कटिंग ठीक है, पुटिंग रख रहा अब है था वो तो इजे मार वो पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे देखो शट, हम कहते हैं सटा, शट हम कहते हैं सटा, चुप रहो, ठीक है ना। मगर देखिए कीप्स, कीप क्वाइट, इसका मतलब था चुप रहो, ये कहते हैं ना कीप क्वाइट और ये कहते हैं सटा, क्या फर्क है देखिए। अब मैं बताऊँ, जैसे मान लो कि मैंने आपको पोलाइटली कहा तो मैं आपको कहूँ भाई कीप क्वाइट चुप रहो, और मैं आपको डांटते हुए कह रहा हूँ तो जय सका चुप रहो, ठीक है। ये शब्द ओनली भाई गर्ल्स यूज करती है, ठीक है ना, इसलिए ठीक है। और कोई जैसे मान लो बदतमीजी कर रहा है आपके सामने या कोई बहस कर रहा है कोई विद्यार्थी कोई छात्र, चढ़ा चुप रहो, और कीप क्वाइट ये पोलाइट नियम कहते हैं, मैम कहते हैं ना कीप क्वाइट, और मैं जैसे मैम कभी गुस्सा होता तो चढ़ा बिल्कुल। अब इसको आई जी जोड़ना है, ठीक है, तो सटिंग देखो सिट, सिट यानी बैठना, ठीक है, और अगर आई एन जी जोड़ा ना इसके साथ तो सिटिंग, ये देख ठीक है। अब देखो जैसे एक मैं एक शब्द है सैट, सैट का मतलब होता है व्यवस्थित करना या अनुकूलित करना, कि जैसे मान लीजिए अपना ये जो रूम है हमने पढ़ाई के अनुकूलित कर दिया, ठीक है, और मोबाइल फोन में सेटिंग आती है कि अभी इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी फोन की, वही शब्द है, ठीक है। अब इसके साथ अगर आई एन जी जोड़े ना तो हाँ ये देखो सेटिंग बन जाएगी, ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान रखें। तो आप समझ में आ गई कि मतलब कि अंतिम अक्षर को डबल कब करते हैं,
समझ में आ गई? आई थिंक उसको आप डबल कब करोगे? जब मतलब कि स्वर दमनी बैठी हो, स्वर आया हुआ, ठीक है, स्वर आया हुआ अंतिम अक्षर से जस्ट पहले। ये बहुत ही बारीकी है, ये चीजें कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा है भाई कि टीचर क्या कहते हैं, अरे ये तो चीजें सिक्स की है, बच्चों को आनी चाहिए। नहीं, हो सकता है कोई बच्चा भूल गया हो भाई, तो उसको वापस बताना ये विद्यार्थी और टीचर का धर्म है। आगे बात समझ में, बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आपको आने ही चाहिए। अब ये दो नियम हो गए, ठीक है। अब इसका जो तीसरा नियम है वो ये कहता है, थर्ड नियम इसका, कि अगर मान लो इसका अपवाद नियम जो अभी हमने किया था कि अंतिम अक्षर को डबल करना है, उसका अंतिम अक्षर को डबल करने का जो अपवाद नियम है वो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई मीनिंग है, कोई वर्ब, ठीक है, और ये अपवाद नियम है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब कोई मीनिंग, कोई वर्ब, ठीक है, उसका अंतिम अक्षर, उसका अंतिम जो अक्षर है, अंतिम अक्षर है वो मतलब कि व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, और व्यंजन ध्वनि से पहले, व्यंजन ध्वनि से पहले अगर मान लो डबल स्वर है, ठीक है। जैसे देखो मीनिंग लिखी मैंने फील, मैंने मीनिंग लिखी ईट, ठीक है, जैसे मैंने मीनिंग लिखी बीट, बीट का मतलब क्या होता है पता है? बीट के मतलब दो होते हैं, एक तो किसी को मैदान में हरा देना, इंडिया बीट पाकिस्तान, ठीक है, और एक होता है बीट यानी पीटना। अगली बात समझ में? अब देखिए ये जो मैंने नियम लिखा उसको अगर आप भाषा के तौर पर लिखें तो समझ में कम आएगा, मगर जब मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत बताया कि कोई भी मीनिंग, कोई भी वर्ब, उसका अंतिम अक्षर वोवल, ये देखिए ये मैं लिखने का तरीका है, अंतिम अक्षर वोवल, ठीक है। अब इस वोवल से पहले अगर डबल स्वर आ रहे हैं, डबल स्वर आ रहे हैं, ठीक है ना, डबल, बिल्कुल सही कहा कि सर, कॉन्सोनेंट्स से बिफोर अगर डबल स्वर आ रहे हैं तो भैया क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या सर क्या अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे? नहीं, केवल आईएनजी ऐड करो, केवल आईएनजी ऐड करो, फीलिंग महसूस करना, ठीक है। ईटिंग, कैसा इसमें अंतिम अक्षर डबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये जो डबल स्वर है ना, ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये इसको रोक रहे हैं कि डबल अक्षर नहीं करेंगे। फीलिंग, ओके, फीलिंग, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अब देखो बीटिंग, बी ई ए टी आई एन जी, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो समझ आ गए कि वर्ब के साथ मतलब आई एन जी आप कैसे जोड़ते हो, और एस ई एस पी मैंने आपको जोड़ना बता दिया था, ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया उसको बताने के बाद आप कितना आपको कोई चीज़ समझ में आई है, क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल ठीक। जैसे एक वर्ब लिखे मैंने, एक सेंटेंस लिखा, सी फिलॉस विल द ब्रैकेट मां, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फीलिंग, ठीक है, दूसरा है आर फीलिंग, तीसरा है एज फीलिंग, और चौथा है एज फीलिंग। हाँ वैसे अब मुझे बताओ जल्दी डिमांड लगा एक बार के संदेश मेरे हिसाब से उपयुक्त है। आप अपने पसंद देखो जल्दी, मनन जो आंसर, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सर थर्ड में ना एफ आई आना चाहिए था, ई आ, हाँ ये फेलिंग हो गया है, मीनिंग अलग हो गया, ए ई देख लो कितना गैप हो रहा है, समझ आई बात? फोर्थ से सब सहमत है,
अच्छा टाइम ऑफ एडवर्ब भी क्या है कनिष्ठ? इससे इंग्लिश टू इंग्लिश पहचान हो गई टेंस की। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है? अब एक बात को आप कहोगे सर इस वाक्य को अगर नेगेटिव मेथड बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये क्या करेगा या नॉट एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, वो अपना करेगा, नॉट की टेंशन हमें नहीं लेनी, वो एग्जाम खुद लेगा। आगे बात समझ में ये देखिए। अब यहाँ पर एक मजे की बात कि सर आपको कि सर आपने कहा था अंतिम अक्षर वोवल और उससे पहले स्वर हो, ठीक है, तो उसको मतलब कि अंतिम अक्षर को डबल क्यों नहीं किया? तो भैया ये पहले से ही डबल हो रखा है, एल डबल पहले से आ चुका है, देख लो। अगर एक होता तो फिर करते करते ये अपवाद भी कह सकते हो, स्पेशल मीनिंग भी कह सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि भैया को कंपटीशन है, ऐसे गोइंग एंड ईटिंग एंड ये कमिंग एंड ऐसे वर्ग को नहीं देगा वो, ऐसी खरोच खरोच के मीनिंग में जाएगा, टॉपिक में मीनिंग में जाने के बाद वर्ग वहां से निकालेगा, फिर टाइम ऑफ एडवर्ब एडजस्ट करेगा, फिर वाक्य बनेगा। वाक्य बनाना बहुत आसान है मगर वो वर्ग को एडजस्ट करना वो आपके लिए और मेरे लिए या टफ रहता है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे एक मीनिंग है इट फिलअप्स, रेन वर्ग आपको यूज करनी है, ठीक है ना। नाउ और डीज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा बेटा बंद कर दो, बेटा पॉज कर दो इसको, ठीक। देखो मैम जल्दी बताओ इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, बिल्कुल इसमें आप कह रहे हो सेकंड, ठीक है। आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, चारों ऑप्शन देखने का प्रयास करना है। जीके में भी यही नियम रखना है, हिंदी में भी यही रखना है, तो ऐसे कट जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिर ना स्प्रिंग का दे रखा है इसमें फर्स्ट और सेकंड में दोनों। ये एन नहीं, यू एन है ना, ये नहीं आएगा, ये डबल स्वर है ना, सेकंड आई एन जी लगेगा ना। तो ये सेकंड सही हो गया, और सेकंड ये सेकंड नहीं नहीं फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन के थ्रू बताया। तो फर्स्ट करो इसमें, नहीं मैंने फर्स्ट का बताया सेकंड। अच्छा ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हाँ, और दे टू इधर है तो आर आएगा। और नाउ है तो ये कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू की, बहुत बढ़िया, सही है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसमें इसमें एस लगा दिया फर्स्ट वाले में तो गलत हो गई, और ये सेकंड दे रखा है यू आर सेकंड यू आर फॉर में, और इसमें दिया है न्यू और हो गया फिर लगा ये देगा थर्ड तो एक ही फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हो, जैसे फर्स्ट जैसे देखा कि नाउअडेज हेल्पिंग टाइम ऑफ परमिशन प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, सब्जेक्ट इट सिंगुलर है। अब देखो पहले जाते ही हमने सब कुछ सही था मगर भाई साहब लपेज कर दिया, बहुत बड़ा वर्ब अलग कर दी। देखो रन यानी होता है दौड़ना और रेन होता है बारिश, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन। देखो कितना फर्क है, हम ये एग्जाम में अगर चीज भाग गए ना भाई तो फायदा में रहोगे। जीके में भी ध्यान रखना है, हिंदी में भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में तो मस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड में देखिए दे सिंगुलर सॉरी प्लूरल है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस की टाइम ऑफ एडवर्ब है, ठीक है, तो आर मीटिंग। अब देखिए डबल टी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर डबल है, हाँ ठीक है। तीसरे में रिया एंड मोहन प्यूरल सब्जेक्ट, हाँ ये देखो बिल्कुल समझ में आ गई बात, ये हटेगा समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से चाहे सिंपल लो चाहे नेगेटिव लो चाहे इंट्रोगेटिव लो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप देखो
इसका एक्स्ट्रा रूल्स एक ही जाता है। देखो जैसे इसका एक्स्ट्रा रूल्स का वाक्य बता दूं मैं, ठीक है। जैसे देखो ये वाक्य लिखा, मैं सुनता, ठीक है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण करो, रूपांतरण, ठीक है। यानी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसका मतलब ये, ठीक है। जैसे आई एम स्मेलिंग द फ्लोर, ठीक है। आई स्मेलिंग फ्लोर, ठीक है। I smell the flowers. I smell the flowers. हाँ, अब जैसे मैंने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर स्पेशल रूल्स का जो वाक्य बनेगा ना, वो इसके मेथड पर बनेगा, ठीक है। आप बताओ ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा सर, फर्स्ट होगा। अगर बात सुन, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिए हैं और स्प्रिंग भी मिस्टेक की इन दिनों में। अब देखो, अब एक बात हो ना, एक्चुअली देखो अब आपका दिमाग कैसे घूमेगा, ठीक है। क्या हुआ मैं यहाँ पर कि सबसे पहले आपने वाक्य का पहचान की, आपने कहा कि मैं फूल सूंघता हूँ, ठीक है, या सूंघ रहा हूँ। देखो सुनो, सूंघ रहा हूँ, अगर मान लो ये देता किसी कारणवश, ठीक है, ये नहीं देता और वाक्य देता मैं फूल सूंघ रहा हूँ, तो क्या करते हुए बेटो, तो क्या करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर जाते और क्या करते, इसकी अंग्रेजी एक ही बनेगी और वो बनेगी प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगी, ठीक है ना। तो अब कंटिन्यूस का बनेगा नहीं, बलि रहा हूँ, रहे हूँ, क्यों, नो, ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि आईएनजी आया नहीं, ठीक है। आई स्मेल द फ्लावर्स, जबकि यहाँ पर तो फूल, एक फूल का ही जिक्र है ना, ये भी ध्यान रखना है, तो चौथा सही है। अब आपको कि सर वाक्य तो आपने दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेथड में, अब आपको कि सर आपने वाक्य तो दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेथड में और इसका ट्रांसलेशन मुझे बता रहे हो प्रेजेंट सिंपल में, तो भाइयों मेरा ये जवाब है आपको बिल्कुल, तो उस कंडीशन मेरा एक ही जवाब है कि जो भी कार्य हम अपने ज्ञानेंद्रियों के संबंधित करते हैं, जो भी कार्य हम अपने ज्ञानेंद्रियों के संबंधित करते हैं, ठीक है ना, तो उनको हमेशा मतलब कि प्रेजेंट सिंपल में ही लिखोगे आप, क्यों। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा नाक है ना 6 घंटे सूंघता है फिर 1 घंटे सूंघना बंद कर देता है, नहीं, ये कार्य निरंतर चलता है रोज, तो रोजमर्रा की दैनिक जीवन में रोजमर्रा की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल। आई बात समझ में, ये वाक्य वो ऐसे बनाकर, मैं गारंटी लूं 85% बच्चा इसको टिक करके आएगा,
85% बचा है ना, का होगा तो वो करेगा, मगर जो भी हमारे सेंस है ना, यानी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, सूंघने का है, स्मेल का है, ठीक है ना, देखने का है, सुनने का है, ये जो भी घटनाएं होगी ना वो हमेशा परजेंट सिंपल में ही शो होगी, ना कि कंटिन्यूस में शो करोगे। अब जैसे मान लीजिए ये बात हो ना, देखो जैसे नहीं, देखो आई एम वॉचिंग टीवी। अब वास्तव में अगर यूं देखो ना तो ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो है नहीं कि आके दो घंटे देखती है फिर आके देखना काम बंद कर देती है। आई बात समझ में? ये कार्य निरंतर करती है भाई, तो उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा बेसिक इंग्लिश ये कहती है, ओरिजिनल इंग्लिश ये कहती है कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करो। आई वॉच टीवी, ओनली आई वॉच टीवी, आई सी टीवी, न कि इज वॉचिंग या एम वॉचिंग, इस प्रकार से ये इसका एक्स्ट्रा रूल्स आता है कि कंटिन्यूस उसमें नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मान यहाँ पर आके मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है जो पूरा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। ये देखो इसका एक्स्ट्रा रूल्स नहीं होगा।